हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्टार एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में है जो कि हम बात करते हैं जनवरी 2019 से जुलाई 2020 के तक के करंट अफेयर हैं जो कि अपन ने शुरू किया था, और उसके बारे में अपन आज भी डिस्कशन करने वाले हैं। जो कि आज अपने पास है अप्रैल का लास्ट जो वीक है उसका, यहाँ पर आज अपने पास 40 महत्वपूर्ण करंट है अफेयर है अप्रैल 2019 के लास्ट के। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और आज अप्रैल भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। आपके आने वाले एग्जाम, अच्छे से CSL, SI, JEE, स्टेनो, MTS, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टार एजुकेशन नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। पृथ्वी दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, पहला प्रश्न अपना यही है। पृथ्वी दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, तो यह है मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को है जो कि यह डेज मनाया जाता है। 2019 की इसकी जो थीम थी वो थे प्रोटेक्ट द स्पीसीज है, इसकी 2019 की थीम थी। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2019 को ATP मास्टर्स 1000 किताब जीतने वाले पहले इटालवी कौन बन गए हैं। तो 1000 किताब जीतने वाले पहले बन गए हैं फेबियो फोगनिनी है जो कि इसके पहले जीतने वाले बन गए हैं। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे आपसे पूछा जाए तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे है जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रामायण की थीम पर विशेष स्मारक टिकट है जो कि जारी किया है, तो यह जो विशेष स्मारक टिकट है यह इंडोनेशिया के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा है जो कि जारी किया गया था। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपरेशन में भारत किस स्थान पर है, तो इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपरेशन है उसमें भारत की रैंकिंग 19वीं है। क्या है, ICP रैंकिंग की बात करें तो भारत 19वें नंबर पर है। यहाँ पे पूछा गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह है जो कि कब मनाया जाता है, तो यह 24 से 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया। विश्व टीकाकरण सप्ताह है तो यह मनाया गया था, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थे प्रोटेक्ट टुगेदर वैक्सीन वर्क है जो कि इसकी थीम रखी गई थी विश्व टीकाकरण सप्ताह। नेक्स्ट है किसने SOCHM के महासचिव पद से इस्तीफा दिया 24 अप्रैल 2019 को, तो उदय कुमार वर्मा है जिन्होंने SOCHM के महासचिव से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2019 को संपन्न 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान है जो कि हासिल किया था, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने चौथा स्थान है जो कि हासिल किया था, और पहला स्थान है जो कि इसमें बहरीन को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कतर के दोहा में संपन्न 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने यहाँ पे 17 पदक जीते थे जिसमें 3 स्वर्ण पदक थे, 7 रजत पदक थे और 7 ही कांस्य पदक थे, यानी 3 गोल्ड, 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे सिल्वर थे, 7 ही ब्रॉन्ज थे और 3 हैं जो कि यहाँ पे गोल्ड मेडल अपन को मिले थे। कुल यहाँ पे 17 पदक हैं, मेडल हैं जो कि अपन को मिले थे। नेक्स्ट है 77वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो 77वां मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है यह मधुर भंडाकर, सलीम खान तथा हेलेन को है जो कि दिया गया था, तो इन तीनों व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूरे विश्व भर में जो विश्व मलेरिया दिवस है यह कब मनाया गया, विश्व मलेरिया दिवस की बात कर रहे हैं तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे मलेरिया डे है जो कि आपसे पूछा जाएगा और यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 2019 की इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी है जो कि इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 से किससे सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर बेनी एंटनी है इनको यहाँ पे सम्मानित है जो कि किया गया था। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया, तो भारत का पहला जो ग्रीन कार लोन है यह भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त का कौन नियुक्त किए गए 26 अप्रैल 2019 को, तो दलबीर सिंह सुहाग है उनको यहाँ पे सेशल के अंदर भारत के उच्चायुक्त हैं जो कि नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 71वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार किसने जीता, 71वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड है
जो कि पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अलमीदा के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? सिरिल अलमीदा के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड। नेक्स्ट है टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो टैगोर साहित्य अवार्ड 2019 का है जो कि राणा दास गुप्ता को दिया गया था उनके उपन्यास सोलो के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा किसने जीता है और उनके किस उपन्यास के लिए उन्हें यह अवार्ड है जो कि दिया गया है। तो यह उन्हें उपन्यास सोलो के लिए दिया गया है, टैगोर साहित्य अवार्ड, राणा दास गुप्ता को। नेक्स्ट है $1 ट्रिलियन मूल्यांकन वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है जो कि $1 ट्रिलियन यहाँ पे मार्केट कैप वाली पहली तीसरी कंपनी है जो कि बन गई है। नेक्स्ट है भारत ने बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो 13 पदक जीते जिसमें 2 गोल्ड और 4 यहाँ पे रजत पदक थे और 7 है जो कि ब्रॉन्ज यहाँ पे इन्होंने जीते थे भारत ने। नेक्स्ट है रीज फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया? तो बौद्धिक संपदा दिवस है जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया है? तो अफ्रीकी देश है मल्लावी, उन्होंने यहाँ पे मलेरिया का पहला टीका है जो कि विश्व का पहला टीका लॉन्च किया था, मल्लावी यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला यहाँ पे एम्पायर कौन बनी है? तो क्लेयर फोलोसाक है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और यह पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है एशियाई स्नूकर टूर खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने ईरान के एहसान हेदरी नेजाद को हरा कर है जो कि जीता था, तो पंकज आडवाणी आपका सही आंसर था। नेक्स्ट है प्लास्टिक मुक्त उड़ान भरने वाली पहली प्रमुख एयरलाइन कौन बनी है? तो एतिहाद एयरलाइन है जो कि यूएई के हैं वह बन गई है प्लास्टिक मुक्त उड़ान भरने वाली पहली प्रमुख एयरलाइंस। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड है जो कि रोहित शर्मा ने बनाया है और यह 17 बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस तो यह मनाया जाता है 28 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किन क्रिकेटरों की सिफारिश की? तो 2020 के भी आ चुके हैं तो 2019 के ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाले हैं। इस बार भी यहाँ पे मोहम्मद रविंद्र जडेजा हैं और आपको ध्यान रखना है उनको नामित किया गया, तो ये नया वाला मैं आपको अप्रैल 2020 में कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट है किस भारतीय ने चीन के बीजिंग में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक है जो कि जीता है? यह जीता था अभिषेक वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? अभिषेक वर्मा के द्वारा है जो कि यह जीता गया है। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर कौन सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है जो कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांसिंग डे तो 29 अप्रैल। नेक्स्ट है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो यह बार्सिलोना के द्वारा लेवांती को हराकर जीता गया था। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने बुर्का जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया? तो यह श्रीलंका के द्वारा लगा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत 2030 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो 2030 यहाँ पे आपका सही आंसर है। किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को $100 मिलियन प्रतिमाह देने का वादा किया है? तो अरब संघ द्वारा यह कहा गया है कि वह यहाँ पे फिलिस्तीन प्राधिकरण को $100 मिलियन प्रति माह देगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आधिकारिक घोषणा के अनुसार किन 2 देशों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा मिला है? तो यह अमेरिका और ओमान को मिला है और आईसीसी का 105वां जो सदस्य देश है वो भी यूएसए बना है, तो ये बात भी आपको साथ साथ पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन करने का मौका है जो कि मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।